नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत। मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। राजीव रंजन उर्फ पप्पू यादव मधेपुरा के पूर्व सांसद और जाप के अध्यक्ष हैं। हमेशा सुर्खियों में बने रहने के लिए आंदोलन से लेके तमाम तरह की योजनाएं बनाते रहते हैं। आज सुबह सुबह पप्पू यादव जो हैं गांधी मैदान के गांधी मूर्ति के नीचे देश के किसानों के आंदोलन को साथ देने के लिए एक दिन के उपवास पर बैठ गए। उनके साथ सैकड़ों किसान और कार्यकर्ता भी हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इतनी ठंड भरी ठिठुरन में वहां किसी भी तरीके का न तंबू है न व्यवस्था है, और किसान और उनके पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ बैठे हैं। पप्पू यादव आज एक दिन के उपवास में हैं, किसानों के समर्थन में। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, आपको सुनाते हैं। 133 किसान अभी तक मर चुके हैं। आप या मोदी जी या आपकी सरकार क्या उस 133 परिवार में किसी से मिले? कल आपको अचानक ये याद कैसे आ गई? चोट लगा है आपको, किसान याद नहीं आए? 63 दिन शिमला से ज्यादा ठंडों में हमारी मां बहन बैठी है, तब आपको हम याद नहीं आए? आपने एक साजिश के तहत किसानों को ट्रैक्टर मार्च करने का आदेश दिया और उसमें अपनी जमात को इन्वॉल्व किया ताकि कॉमन मैन और किसान के बीच टकराहट पैदा किया जाए, जबकि एक भी साइकिल मोटरसाइकिल एक भी दुकान को कोई टच तक नहीं हुआ। फिर आईटीओ गोलंबर पर 10,000 किसान को ले जाने की साजिश किसने रची? और जो किसान ट्रैक्टर से पलटे, क्या उसको आंसू गैस के गोले के बाद, अनबैलेंस के बाद क्या जुडिशियल इंक्वायरी की मांग में किया? क्या आपने जुडिशियल इंक्वायरी को स्वीकार किया? आप सिर्फ किसानों के आंदोलन को कमजोर करने के लिए ट्रैक्टर रैली के इजाजत के बाद आपने गहरी साजिश रची। तो आपने सुना पप्पू यादव को, गाजियाबाद में कल रात को जो किसानों के साथ बर्ताव हुआ, जो पुलिस का कड़ा पहरा लगाया गया, उसके विरोध में पप्पू यादव जो हैं वो गांधी मैदान के गांधी मूर्ति के पास जो है एक दिवसीय उपवास में बैठे हैं। अब देखना है कि पप्पू यादव के इस उपवास से केंद्र में बैठी मोदी सरकार का दिल पसीसता है या नहीं, इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। बने रहिए नेशन भारत के साथ। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।